Hello students. This video is for grade UKG. So let us start. We will study about three different sections in this sheet: English, Maths, and EVS. Okay. So let us start with English. Write three four lines on picture given. See as you all can see. अ वेरी नाइस पिक्चर इज गिवेन ओवर है एक बहुत सुंदर पिक्चर दिया है जिसमें कि ट्रीज हैं माउंटेन्स हैं वॉटर है यू कैन सी बोट है बहुत सारी चीज़ें हैं और एंड वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर इन थ्री फोर लाइन्स इस पिक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है और इसके बारे में हमें तीन चार लाइन्स दिखनी है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी आर गेटिंग इसमें हम क्या देख सकते हैं दट कैन सी एन आईलैंड इसमें एक आईलैंड है ओके okay? ये एक आईलैंड के पिक्चर है यू कैन सी इट इज एन आईलैंड आईलैंड वॉट इज आईलैंड आईलैंड एक ऐसी जगह होती है जो हर तरफ से ना पानी से घिरी हो होके इट इज एन आईलैंड एंड देर आर सो मेनी माउंटेन्स बिहाइंड द आई लैंड के पीछे बहुत सारे माउंटेन्स हैं बहुत सारी ट्रीज हैं और एक बोट भी है वहाँ पास में सो यू कैन सी वॉट यू विल डू इज आप क्या करेंगे कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को अज्यूम करेंगे एंड देन यू विल राइट अब थ्री फोर लाइन्स अबाउट दिस पिक्चर इस पिक्चर से रिलेटेड आपको थ्री फोर लाइन्स यहाँ पर राइड करनी है ओके okay?

एंड यू विल राइट इन प्रॉपर लाइन्स प्रॉपर लाइन्स में राइट करेंगे विद द यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन्स ओके नाउन्स का प्रॉपरली यूज़ करेंगे एंड कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा यू विल यूज़ कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन ओके इस तरीके से सारे वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ करके प्रॉपर लाइन्स में राइट करेंगे ओके okay? या yeah. नाउ सीज द सेकेंड क्वेश्चन विच इज ऑफ मैथ्स मैच द पिक्चर्स विच लुक सेम ओके सेम पिक्चर्स को मैच करना है वॉट इज वी हैव टू डू इज वी हैव टू मैच द सेम पिक्चर्स ओके पीकॉक टू पीकॉक स्नेक टू स्नेक पैंगवेन टू पैंगवेन बेयर टू बेयर पांडा मीन्स पांडा ओके पम्पकिन टू पम्पकिन ओके सेम पिक्चर्स को हमें मैच करना है सो आई होप यू कैन डू दिस नाउ सी द लास्ट वन राइट टू थ्री लाइंस ऑन मदर अर्थ राइट टू थ्री लाइंस ऑन मदर अर्थ मदर अर्थ मतलब धरती माँ मदर अर्थ मतलब धरती माँ इनके बारे में हमें दो तीन लाइन राइट करनी है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वॉट वी विल राइट इज द प्लानट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अर्थ जिस प्लानट पे हम रहते हैं जहाँ हम रहते हैं जिस प्लानट पे उस प्लानट को क्या कहते हैं अर्थ दैट प्लानट इज़ नोन एज अर्थ ओके इस प्लानट का नाम है अर्थ ये कहाँ है हमारे सन से थर्ड नंबर का प्लानट है ओके देर आर टोटल एट प्लानट्स इन द सोलर सिस्टम ओके okay, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल एट प्लानट्स हैं जिसमें हमारा जो अर्थ है वो थर्ड नंबर का प्लानट है एंड वाई वी कॉल इट मदर अर्थ हमें से मदर अर्थ क्यों कहते हैं वी कॉल इट एज मदर अर्थ बिकॉज इट अस लैंड फूड एंड अदर असेंशियल थिंग्स हम इसे धरती माँ क्यों कहते हैं क्योंकि ये हमें रहने के लिए जगह देती है खाने के लिए खाना देती है और भी बहुत सारे ज़रूरत की चीज़ें देती हैं क्यों क्योंकि इसी धरती पे इसी ज़मीन पर हम पेड़ पौधे उग जाते हैं इसी धरती पर हमारे फ़सल उपजते उप हैं और इसी धरती पे पानी है सो so, यहाँ पे क्या इससे हमें क्या मिला है खाना मिला है पानी मिला है ज़मीन मिली है रहने के लिए और बहुत सारे और भी असेंशियल्स जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं हमें मिली है फिर चाहे वो पानी के अंदर से मिली हो धरती में के अंदर से मिली हो गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम ये सारे जो मेटल्स हैं ये हमें कहाँ से मिले माइंस से मिले माइंस मतलब जब हम धरती के अंदर खोदेंगे तो वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पर ये गोल्ड एलमिनीम डायमंड ये सारी चीज़ें हैं दीजा मेड अप ऑफ लावा ये सब किससे बना है लावा से बना है हमारे न्यूट सॉयल में मिक्स न्यूट्रिय से बना है ओके सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज़ मदर अर्थ क्योंकि ये हमें रहने के लिए खाने के लिए जीने के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करती है दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज़ मदर अर्थ क्योंकि ये हमारी हर चीज़ में टेक केयर करती है जैसे हमारी माँ कैसे हमारे हर चीज का ख्याल रखती है खाने का पीने का रहने का कपड़े पहनने का हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है उसी तरीके से हमारी जो धरती माँ है ये भी हमारी हर तरीके से हर चीज में हेल्प करती है दैट इज वाई हमें इसे क्या कहते हैं मदर धरती माँ ओके या सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश वॉट यू हैव टू डू आपको तीन चार लाइन्स लिखनी है गिवन पिक्चर इस गिवन पिक्चर के बारे में आपको तीन चार लाइन्स लिखनी है लाइक देर इज अ बोट एंड देर आर सो मेनी माउंटेन्स बिहाइंड द आईलैंड ओके लाइक दिस इन दिस वे आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पिक्चर में आपने इस पिक्चर में क्या देखा क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आपको ये यहाँ पर अपना राइट करना है एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन मैच द पिक्चर से सेम जो पिक्चर सेम दिखते हैं उन्हें मैच करना है ओके लाइक स्नेक को स्नेक से मैच कर देंगे पांडा को पांडा से मैच कर देंगे पेंगुइन को पेंगुइन से मैच कर देंगे ओके एंड दिस और लास्ट में ई वी एस में हमें क्या करना है वी हैव टू राइट टू थ्री लाइन्स हमारी धरती माँ के बारे में मदर अर्थ के बारे में हमें दो से तीन लाइन राइट करनी है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यू कैन ऑल्सो राइट अ लाइन देखिए मैंने आपको टू लाइन्स बता दी डैट uh, हम जिस प्लानट पर रहते हैं वो अर्थ है और हम इसे क्यों कहते हैं और आप इसमें कुछ और एक लाइन और आप खुद से ऐड कर सकते हैं ओके यू विल राइट वन लाइन बाई योर सेल्फ ऑल्सो ओके सो दैट यू कैन गेट टू नो दैट हाउ इज़ आर मदर अर्थ इंपॉर्टेंट फॉर अस So, this was all about today's sheet. I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt, any kind of problem in any question, in any section, you can ask me. Thank you.